टेस्ला कंपनी की बैटरी से चलने वाली सबसे तेज कार लॉस एंजलिस में लोगों के सामने लाई गई। कार की खासियत है कि एक बार चार्ज करने के बाद ये 1000 किलोमीटर तक नहीं रुकेगी। देखिए रिपोर्ट। लॉस एंजलिस के पास टेस्ला के डिजाइन स्टूडियो में टेस्ला इनकॉर्पोरेशन की सेमी मॉडल को दर्शकों को दिखाने के दौरान कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने एक नई रोडस्टर स्पोर्ट्स कार को लोगों के सामने लाकर सबको चौंका दिया। ये कार दुनिया की सबसे तेज कार होगी। मस्क ने कहा कि इस कार को पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को करारा जवाब देने के लिए बनाया गया है। ये गाड़ी 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 1.9 सेकंड में और 100 मील की रफ्तार केवल 4.2 सेकंड में पहुंच सकती है। That is the fastest. This will be the first time that any car has broken 2 seconds at 0 to 60. एक बार चार्ज करने पर ये 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। This will be the first time an electric vehicle breaks 1000 kilometers. A production electric vehicle will travel more than 1000 kilometers in a single charge at highway speed. ये कार साल 2020 से बिकनी शुरू हो जाएगी। The hell with barriers. Touch. Jump over the barriers. Jump over. Thank you for coming. Thanks. Samrat Sharma, Go News.